Hi guys, my name is Ishika Sharma and today we are going to study the chapter number 2 of class 3rd English, The Magic Garden. So let's start. The Magic Garden was in school playground. तो क्या बोल रहे हैं कि Magic Garden जो था वो school playground में था. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. जो sunflowers रहते हैं थे और roses जो थे wall के पास वहाँ पे उगे हुए थे. देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पैंसीज. तो वहाँ पे दूसरे फ्लावर्स भी थे, मैरीगोल्ड्स, पॉपीज एंड पैंसीज. दीज आर सम टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर एंड द फ्लावर्स डांस एंड सैंग हैप्पीली. तो सनशाइन बहुत ज़्यादा आती थी यहाँ पे और उसकी वजह से सारे फ्लावर्स डांस करते थे और गाना गाते थे हैप्पीली. दे सेड टू वन अनदर we have hundreds of little gardens. They were the children from the school. तो क्या बोल रहे हैं कि और उन्होंने क्या बोला कि हमारे तो hundreds of gardeners रहते हैं और वो कौन है, हमारे children from the school. तो उनके gardeners कौन है, children. One sunny morning the flowers were talking to the birds, I love all the children. तो flowers birds से बात कर रहे थे और उन्होंने बोला हम लोगों को ये चिल्ड्रन बहुत पसंद हैं, बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल. तो फ्लावर ने क्या बोला कि बट मुझे छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद हैं. सेड अ पॉपी. तो किसने बोला ये चीज़ कि छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा पसंद है, पॉपी ने बोला ये चीज़. पॉपी इज़ ऑल्सो अ फ्लावर. आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स. तो पॉपी को क्या पसंद था कि वो अपनी वाटरिंग कैंस लाएँ और उसको पानी दें. किसको पानी दें, पॉपी को पानी दें. कमिंग टू द नेक्स्ट, आप देख सकते हो इस पिक्चर में, इट्स लुकिंग वेरी नाइस फ्लावर्स. येस सेड द मैरीगोल्ड्स, द बॉयज़ आर गुड टू अस टू. तो मैरीगोल्ड ने क्या बोला, बॉयज़ भी हमारे साथ बहुत अच्छे से रहते हैं. दे डिग द ग्राउंड सो वेल. तो क्या बोल रहे हैं कि खोदते बहुत अच्छे से हैं मिट्टी को बॉयज. कमिंग टू द नेक्स्ट, वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड अ टाइनी बर्ड, दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस. तो वो लोग क्यों लव करते चिल्ड्रन को, टाइनी बर्ड ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि वो टाइनी बर्ड्स के लिए ब्रेड लाते हैं, कुछ कुछ खाने के लिए लाते हैं. ऑल द फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून. सारे फ्लावर्स ने बोला कि हमें अपनी ड्रेसेस बहुत अच्छी कर लेनी है. ड्रेसेस मतलब ऊपर की लीव्स वगैरह, क्योंकि चिल्ड्रन बहुत जल्दी हमारे इस गार्डन में आ जाएंगे. द सन सेड आई विल हेल्प यू ऑल्सो, फॉर नथिंग प्लीजेस मी बेटर देन टू सी चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन. सन ने बोला आप लोगों को और फ्लावर्स को मैं हेल्प करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है चिल्ड्रन यहाँ पे आते हैं और खेलते हैं आपके साथ. सडनली द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम. तो उसके बाद एकदम से बच्चे आ गए और फिर फ्लावर्स ने अपना गाना और डांसिंग बंद कर दी और वो बच्चों की बात सुनने लग गए. ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर सेड वन चाइल्ड एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली. तो एक बच्चे ने बोला कि सनफ्लावर कितना लंबा है और कितना सुंदर है. तो सनफ्लावर इतना खुश हुआ, वो वेरी प्राउडली का मतलब उसको गर्व हुआ अपने ऊपर, उसको खुशी हुई और वो अपना हेड मतलब अपना सर हिलाने लग गया. अनादर चाइल्ड सेड आई लव द मैरीगोल्ड इन इट्स गोल्डन ड्रेस, द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली. तो दूसरे चिल्ड्रन ने क्या बोला कि मैरीगोल्ड गोल्डन ड्रेस उसकी लीव्स में बहुत अच्छा लगता है, तो मैरीगोल्ड स्माइल करने लग गया हैप्पीली. इट वॉज इनडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू. तो वो मैजिक गार्डन क्यों था, क्योंकि वहाँ पर फेरीज भी थी, परियाँ भी थी. फेरीज का मतलब होता है परियाँ. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. तो वो जो डांस करती थी और गाना गाती थी वो सिर्फ चिल्ड्रन सुन सकते थे. After a time the fairies came out dancing and talked with the children. थोड़े टाइम बाद फेरीज बाहर आई और चिल्ड्रन के साथ बात करने लग गई. Their dress were made up of flowers and their wings were sunshine. तो उनकी ड्रेसेस फ्लावर्स से बनी हुई थी और उनके विंग्स सनशाइन से. The magic garden was quiet that night. The flowers and birds were asleep and dreaming of the next day when the children would come again. तो क्या बोल रहे हैं कि फिर जब रात में वो लोग सोए तो वो लोग नेक्स्ट डे का सपना देख रहे थे. अब ये कहाँ से ली गई हुई है बच्चों,
ये वाली जो अब हमारा लेसन है वो अडेप्ट करा हुआ है फेरी गार्डन करके एक बुक है जो मार्गरेट एच बोल्टॉन ने लिखी है। सो द ऑथर कौन है इस चैप्टर के? मार्गरेट एच बोल्टॉन। ओके, हियर सम न्यू वर्ड्स आर देयर। मैजिक गार्डन गार्डनर्स, तो मैजिक मतलब जादू, गार्डन मतलब अपना बगीचा, गार्डनर्स मतलब जो उसकी देखभाल करता है, प्लेग्राउंड मतलब खेलने की जगह, सनशाइन मतलब धूप, गोल्डन मतलब कलर होता है और ड्रीमिंग मतलब सपना। ओके गाइस, तो ये हियर वी आर ओवर विद अवर एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट। प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें।